एक काम करो, जो इधर लोग है ना सबको बिठवा दो, डांस वूंस वाले सबको बिठवा दो। हाँ सिपाही लोग को बोल दो सबको बिठवा दो स्टेज, ये सामने कुर्सियाँ खाली लग रही है, किसी को बोलाओ। हाँ, हाँ, हाँ। दो मिनट आप बोल दीजिए, आपका जो प्रोटोकॉल होता है अपने जसपुरिया माटी अटल सुशासन समारोह के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी छत्तीसगढ़ शासन सर आपका स्वागत करता हूं, साथ ही अध्यक्ष माननीय विधायक महोदय पथलगांव, विशिष्ट अतिथि माननीय विधायक महोदय जसपुर एवं समस्त मंचस्थ गणमान्य जनप्रतिनिधिगण, उपस्थित अधिकारीगण, दर्शक दीर्घा में बैठे जसपुरवासी, समस्त मीडिया के साथीगण, आप सभी का मैं जिला प्रशासन की ओर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वर्तमान में पूरे देश में अटल सुशासन सप्ताह मनाया जा रहा है, इसी कार्यक्रम के एक प्रमुख कड़ी के रूप में आज जिला जसपुर में अटल सुशासन समारोह का आयोजन है। इस समारोह के माध्यम से हम सभी जसपुर जिला के समावेशी एवं चहुमुखी विकास हेतु प्रतिबद्ध हैं। पुनः मैं सभी का स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसी क्रम में कार्यक्रम को आगे गति देते हुए निर्विवाद स्वभाव के धनी मृदुभाषी जिनकी मेहनत और एकता के कारण आज का यह अपूर्व दिवस देखने को मिल रहा है, जी हाँ, मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ हमारे बीच उपस्थित निर्विवाद स्वभाव के धनी आदरणीय कृष्णा राय, पूर्व अध्यक्ष खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग। बोले भारत माता की, भारत माता की। आज के हम सबों के जसपुर जिला का मान सम्मान बढ़ाने वाले हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी, हम सबों के नेता, हमारे पूर्व सांसद राज्यसभा आदरणीय राजा साहब रणविजय सिंह जुदेव जी और समस्त मंचस्थ हमारे अतिथिगण, उपस्थित भाइयों बहनों, कार्यक्रम में लेट हुआ। आज हम सब याद करते ये जसपुर का दिन, जिसने जिनके मार्गदर्शन में, जिसके प्रेरणा से आज जसपुर का जसपुरिया माटी मुख्यमंत्री बना है, ये हमारे पूर्व कुछ हमारे मार्गदर्शक आदरणीय कुशाभाव जी ठाकरे, हमारे बाला साहब देशपांडे जी, राजा विजय भूषण सिंह जयदेव जी, कुमार दिलीप सिंह जयदेव जी, जिन्होंने जसपुर के लिए अथक प्रयास किया, मेहनत किया और यहाँ का आदिवासी लीडरशिप पूरे प्रदेश में राज करे, ये प्रेरणा से ये काम शुरू किए थे। आज हम सब लोग पूरे जसपुर वासियों की ओर से उन विभूतियों के लिए जिन्होंने हमें मार्गदर्शन दिया और यहां तक आगे खिल बढ़ने का अवसर दिया, उनके लिए जोरदार ताली बजा के स्वागत करें। अब मैं आदरणीय
हम सबों के जिनका बड़ा उतार चढ़ाव रहा। संस्कार के धनी विष्णुदेव साय जी ने बहुत ऊंचा नीचा देखे, दो दो बार विधायक, चार चार बार एमपी, अभी मुख्यमंत्री, लेकिन इसके पहले भी इन्होंने पार्टी को, समाज को बीच लगातार संघर्ष करते रहे। इनका भी टिकट दो बार कटा था, जब एक बार तपकरा के बाद इनका टिकट कटा था, लोकसभा समय टिकट कटा था, लेकिन इन्होंने इन सबको छोड़ के भारतीय जनता पार्टी को, अपने प्रदेश को, अपने जस्तूर को इकट्ठा करने के लिए कभी कुछ सोचा नहीं जा सकता था। उल्टा हमारे कुमार दिलीप सिंह जी जिनके प्रेरणा से विष्णुदेव साय जी ने यह स्थान बनाया, मेहनत किया, वैसा व्यवहार पाया, विष्णुदेव साय जी कुमार साहब के प्रणों में, जबकि उनका भी एक बार लोकसभा चुनाव में घोषित होने के बाद में महासमुंद में उनका टिकट कटा था, लेकिन सबने जसपुर को, इस माटी को, इस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए काम किया। और ये ऐसा अवसर बहुत कम मिलता है, हम और अच्छा से चर्चा करेंगे, जसपुर को आगे बढ़ाने का बहुत अवसर है। और हम सब लोग विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ को, पूरा देश का पूरे देश का मॉडल बनाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी क्रम में कार्यक्रम को आगे गति देते हुए छत्तीसगढ़ का कायाकल्प, आपका दृढ़ संकल्प, गांव, गरीब, किसान के हित चिंतक, अत्यंत ही सरल, सहज, जन जन के चहेते, ग्राम बगिया फरसाबहार जसपुर के माटी पुत्र, जन समर्पित, हमारे बीच उपस्थित आज के मुख्य अतिथि परम सम्मान्य श्री विष्णुदेव साय जी, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन को उद्बोधन के लिए सादर आमंत्रित करते हैं। जोरदार तालियों से स्वागत। बोलिए भारत माता की। थोड़ा मजा नहीं आ रहा है, थोड़ा संख्या ज्यादा है तो थोड़ा आवाज भी जोर होना चाहिए। बोलिए भारत माता की जय। भारत माता की जय। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। दिलीप सिंह जूदेव अमर रहे। अमर रहे, अमर रहे। दिलीप सिंह जूदेव अमर रहे। अमर रहे, अमर रहे। आज जसपुर नगर की इस पावन भूमि में सुशासन सप्ताह के अंतर्गत आयोजित आज के कार्यक्रम में हम लोगों के बीच मंच में विराजमान सम्माननीय राजा रणविजय प्रताप सिंह जूदेव जी, पूर्व सांसद, हमारे दोनों विधायक महोदया श्रीमती गोमती साई जी, श्रीमती रायमुनी भगत जी, सम्मान्य प्रवल प्रताप सिंह जूदेव जी, हमारे जिला के पार्टी के सम्मान्य अध्यक्ष सुनील गुप्ता जी, आदरणीय विक्रमादित्य सिंह जूदेव जी, बहुरानी जी, युवा मोर्चा के जिला के अध्यक्ष सौर प्रताप सिंह जूदेव जी, विजय आदित्य सिंह जी, सम्माननीय राम प्रताप सिंह जी, हमारे दोनों महामंत्री भरत सिंह जी, मुकेश शर्मा जी,
मंच में विराजमान सभी हमारे कार्यकर्ता बंधुगण, मैं करीब करीब सबका नाम जानता हूं, लेकिन पहले से हम लोग विलंब है इसलिए क्षमा चाहता हूं। हमारे आईजी साहब, कलेक्टर साहब, एसपी साहब, सभी अधिकारी कर्मचारीगण और आज के इस कार्यक्रम में जसपुर भर से आए देवतुल्य कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, सज्जनों, मातृशक्ति माताएं बहनें, युवा साथियों और प्रेस के मित्रों, मुख्यमंत्री का दायित्व संभालने के पश्चात आज हमारा ये प्रथम आगमन जसपुर में हुआ है। ये जसपुर की भूमि को मैं प्रणाम करता हूं, कहे कि ये जसपुर हमारी कर्म भूमि भी रही है और जसपुर जिला जन्म भूमि भी है। और स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव जी हमारे राजनीति के आदर्श रहे हैं, उन्हीं से राजनीति सीखे हैं, तो ऐसे जसपुर की भूमि को मैं सत सत नमन करता हूं। आज ऐतिहासिक स्वागत जसपुर के अंदर में हुआ, पूरे जसपुर के सड़कों में दोनों तरफ लोग खड़े होकर फूल बरसाकर स्वागत किए। स्वर्णकार समाज द्वारा लड्डुओं से तोला गया, काजू से तोला गया और यहां पर पूरे जसपुर से आए हमारे सज्जनों के द्वारा, देवियों के द्वारा लंबा माल्यार्पण के माध्यम से स्वागत किया गया। मैं आप लोगों के इस स्वागत को कभी नहीं भूल पाऊंगा, जीवन भर में याद करता रहूंगा। और मैं समझता हूं कि ये स्वागत ये विष्णु साय का नहीं बल्कि ये पूरे जसपुर का स्वागत है। आज कुल मिला के 1,110 करोड़ रुपए का भूमि पूजन और शिलान्यास किए हैं पूरे जिले के अंदर के। अनेक तरह के काम हैं जिनका भूमि पूजन और लोकार्पण किए हैं। बंधुओं, आप लोगों के आशीर्वाद से आपके जिले के इस बेटे को बहुत बड़ा दायित्व आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। और पिछले चुनाव में आप सब लोगों के अथक परिश्रम के कारण जसपुर जिले का तीनों सीट जीतने में सफल हुए हैं, इसके लिए सभी कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत बधाई, आभारी। पूरे प्रदेश में भी कार्यकर्ताओं ने बहुत उत्साह के साथ काम किया और जो चौथी बार जब हम लोग सरकार बनाए हैं तो सीट भी 54 सीट, पहली बार 54 सीट जीते हैं और वोट परसेंट भी पहली बार 46.5 हुआ है। ये सब कार्यकर्ताओं की बदौलत हुआ है, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के बदौलत हुआ है। छत्तीसगढ़ की जनता का विश्वास हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर, भारतीय जनता पार्टी पर, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी पर, सब पर बढ़ा है
और हमारी पार्टी का जो ध्येय वाक्य है सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, इसको छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश की जनता उस पर विश्वास की है। आज ये गुरुतर दायित्व आपके बेटा को मिला है। मेरी अपेक्षा आप सभी लोगों से रहेगी कि आप सब लोगों का आशीर्वाद मार्गदर्शन मिलता रहे, ताकि मैं हमेशा जसपुर का नाम रोशन कर सकूं। जिस तरह से चुनाव प्रचार के दौरान में मोदी की गारंटी में हमारी पार्टी ने छत्तीसगढ़ की जनता से वादा किया था, सभी वर्ग की चिंता करते हुए वादा किया था, हमारे प्रधानमंत्री स्वयं आकर यह आश्वस्त किए थे कि छत्तीसगढ़ में सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री जो बनेगा उसका पहला काम होगा जो पिछले 5 साल के दौरान में 18 लाख लोग प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए हैं, उनका पक्का का मकान सैंक्शन करने का काम पहला काम होगा। तो आज मुझे मुख्यमंत्री के नाते आप लोगों को बताते हुए ये गौरव हो रहा है कि 13 तारीख को हम लोगों ने शपथ लिया और 14 तारीख को पहला कैबिनेट बुलाकर 18 लाख प्रधानमंत्री आवास बनाने का निर्णय लिए और 19, 20, 21 दिसंबर को 3 दिन का विधानसभा सत्र बुलवाकर 12,000 करोड़ से ज्यादा का अनुपूरक बजट पास किए, जिसमें प्रधानमंत्री आवास के लिए भी राशि का प्रावधान किए। और मुझे ये भी बताते हुए हर्ष हो रहा है कि दूसरा ये वादा था मोदी की गारंटी में कि 15 साल के हम लोग के शासनकाल में 2 साल का धान का बोनस नहीं दे पाए थे और हम लोगों को 15 सीट में आना पड़ गया था, और अभी मोदी की गारंटी में हम लोगों का वादा था कि हमारी सरकार बनेगी तो 2 साल का बोनस की राशि देंगे। और 25 दिसंबर जो श्रद्धेय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन रहता है, जिसको सुशासन दिवस के रूप में पूरा देश मनाता है, आप लोगों को बताते हुए गौरव हो रहा है कि पूरे प्रदेश के अंदर विभिन्न जगह कार्यक्रम रख के 12 लाख से भी ज्यादा किसानों के खाता में कुल 3716 करोड़ रुपया चंद सेकंड में उनके खाते में ट्रांसफर कर दिए। और जो भी वादा मोदी की गारंटी में किए हैं, हमारी जो विवाहित माताएं हैं उनको महतारी बंधन योजना में 12,000 रुपया साल का देने का वादा है, उज्ज्वला योजना में गैस का सिलेंडर 500 रुपये में देने का वादा है, तेंदू पत्ता का कीमत 5,500 प्रति मानक बोरा, और जो पुरानी हम लोगों की सरकार के समय चरण पादुका योजना वगैरह थी वो सब चालू करने का है। विलंब हो गया है, सब चीज बताने की आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन मैं मुख्यमंत्री के नाते आप सब लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि पिछली सरकार ने छत्तीसगढ़ की आर्थिक स्थिति को बहुत चरमरवा दी है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि छत्तीसगढ़ की धरती में वनोपज खूब है, यहाँ की मिट्टी उर्वरा शक्ति से भरपूर है, खनिज संपदा से भरपूर है छत्तीसगढ़ की मिट्टी, और डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी हम लोगों की सरकार है।